everyone, this is Sayada Halimi. Welcome back to your own classes, chicken classes. And Animal Kingdom का हम आज part 5th कर रहे हैं. Although ये थोड़ा सा boring हो जाता है ये chapter. Initially जो bio के कुछ starting chapters हैं, मेरे लिए personally सबका अपना अपना opinion हो सकता है. Initial जो chapters हैं 11th में वो थोड़े boring हो जाते हैं. तो फिर भी in spite of that हमने ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया और आज हम फाइलम हेमीकॉर्डेटा पे पहुंच चुके हैं. ये सेकेंड लास्ट फाइलम है, इसके बाद बस हमें एक लास्ट फाइलम करना है, फाइलम कॉर्डेटा. वो फाइलम थोड़ा सा लंबा होगा, लंबा इन द सेंस कि अभी जितने भी हम लोगों ने फाइलम पढ़े बस उसमें फाइलम ही तक हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना था, उसमें हमें क्लास वगैरह नहीं पढ़ना था. बट जो नेक्स्ट फाइलम है उसमें क्लासेस भी गिवेन है और उन क्लासेस को हमें पढ़ना भी है, मतलब वो हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है भाई, क्योंकि हम जो फ्री स्टडी जोन हमारा बैच है उसका टारगेट ही यही है कि विद इन द टाइम हम आपका अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पूरा कोर्स कंप्लीट करा दें. और एक बार जैसे ही हमारा ये टारगेट अचीव हो जाता है देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी डीप एनालिसिस, डीप स्टडी. एंड वो स्टडी ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर आफ्टर 12th में काम आने वाली है. नीट अगर आप तैयार कर रहे हो तो उसके लिए भी वो इनिशियल प्रिपरेशन हो जाएगी आपके लिए, या जो भी आपका एम हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बायो हो तो आपका नीट शुड बी योर एम, इट्स नॉट लाइक दैट ऑफ कोर्स, बट फिर भी जनरल एक मैं बता रही थी. तो हम फिर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप वही होगा. बट यस, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है और हमें बहुत स्पीड में नहीं भागना है. ऐसा नहीं कि हम स्किप कर देंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट. हमें सिलेबस जो भी है जितना भी है लाइन बाय लाइन हर एक चीज करनी है. और आप देखते हो कि अभी तक जितनी भी वीडियोस है मैंने हर वीडियो में एक तरह से देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मैंने लाइन बाय लाइन ही पढ़ाने की कोशिश की है. एंड आई डोंट थिंक कि कहीं भी मैंने कोई भी लाइन मिस की है. अगर हो गया होगा तो इट्स ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट फिर भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. सो बस आपको कॉपरेट करना है, वीडियोज को देखते जाना है, वीडियोज को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, अपने दोस्तों को बताओ अबाउट द फ्री स्टडी जोन ऑफ द टीचिंग क्लासेस. इनफैक्ट ऑफलाइन भी हमारा जो चल रहा है आप उनके बारे में बता सकते हो. आई डोंट नो कि आप यहाँ ऑफलाइन अटैच्ड हो विद दिस क्लासेस और नॉट, बट इफ यू आर नॉट देन प्लीज आप जब फ्री हो तो एक बार डिटेन क्लासेस जरूर विजिट करो, यहाँ आके जरूर एक बार देखो, क्योंकि ऑनलाइन जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, बट ऑफलाइन थोड़ा और अच्छा होता है. बिकॉज ऑनलाइन यू आर इंटरेक्टिंग विद मी, यू आर इंटरेक्टिंग विद द स्टाफ ऑफ द डिटेन क्लासेस, बट जब आप ऑफलाइन आ रहे हो देन वी आर इंटरेक्टिंग विद यू गाइज ऑल्सो. क्योंकि अभी हम जिस स्पीड से चल रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बोर्ड्स टू बोर्ड्स चीज़ें थोड़ी वैरी करती है. तो वो चीज़ें हम लोगों को एज अ टीचर वो तब अच्छी लगती है, तब ज़्यादा समझ में आती है जब हम स्टूडेंट्स को खुद फिजिकली देख रहे होते हैं कि तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट होना है और क्या नहीं. तो आपको जब भी टाइम मिले, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको आना ज़रूरी है, जब भी टाइम मिले, जब भी आपको लगे कि हाँ एक बार चलकर देखते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार G10 को भी विजिट करें. हमारी जो ये साइट है इस पर आपको नीचे फोन नंबर दिख रहे होंगे, एड्रेस दिख रहा होगा, आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. आप यहाँ आके एक बार देख सकते हैं, आप हम लोगों से मिल सकते हैं. सॉरी. सो बस स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, फाइलम हेमीकॉर्डेटा को. ठीक, हेमीकॉर्डेटा की एक छोटी सी कहानी है. एक्चुअल में जब इनिशियली डिवाइड किया गया था फाइलम्स वगैरह को, तो हेमीकॉर्डेटा को अभी आप जो एक नेक्स्ट फाइलम पढ़ोगे फाइलम कॉर्डेटा, उसी में कंसिडर कर लिया गया था फाइलम कॉर्डेटा. अभी नेक्स्ट फाइलम आपको यही पढ़ना, ठीक है. तो इनिशियली जब क्लासिफिकेशन हुआ फाइलम्स बनाए गए तो हेमीकॉर्डेटा को कॉर्डेटा का ही पार्ट बताया गया था. इसमें सब एज अ सब फाइलम हेमीकॉर्डेटा को रख दिया गया था. फिर धीरे धीरे और स्टडी हुई, डीप स्टडी हुई, तो पता चला कि जो हेमीकॉर्डेटा है उनके जो फीचर्स हैं वो कॉर्डेटा से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि इनिशियली क्यों रख दिया गया था हेमीकॉर्डेटा को इन फाइलम कॉर्डेटा, ये क्वेश्चन होना चाहिए. इस वजह से क्योंकि हेमीकॉर्डेटा में और कॉर्डेटा में एक चीज कॉमन मिली थी इनिशियल स्टेज में, वो थी नोटोकॉर्ड. जब मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, That is the video part number one. I hope आपने देख लिया होगा. अगर नहीं देखा एक बार प्लीज देख लेना, जल्दी जल्दी देख लेना, बट प्लीज देख लेना, एटलीस्ट आपको इनिशियल चीजें पता तो हो. ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दैट नोटोकॉर्ड के बेसिस पे भी हम एनिमल किंगडम को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. तो यहाँ उसके बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर लेते थे दो ग्रुप्स में. एक हो जाता था आपका कॉर्डेट्स और एक हो जाता है आपका नॉन कॉर्डेट्स.
ये दो ग्रुप में से डिवाइड कर दिया गया था एनिमल्स को, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में। तो कॉर्डेट में इनिशियल जब ये ग्रुप्स बनाए गए थे तो कॉर्डेट्स में दोनों रख लिया गया था, कॉर्डेटा को भी फिर और हेमिकॉर्डेटा को भी रख लिया था। पहले एक्चुअल में क्या हुआ था कि सबसे इनिशियल जब डिवीजन स्टार्ट हुआ था कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में, तो कॉर्डेट में सिर्फ एक ही फाइलम था कॉर्डेटा, एंड इस कॉर्डेटा का सब फाइलम था हेमिकॉर्डेटा। फिर लगा नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, इनको अलग अलग क्लासिफाई कर देना चाहिए। तो फिर कॉर्डेट्स में ही हमने अपने रख लिया कॉर्डेटा को और हेमिकॉर्डेटा को। फिर कुछ टाइम के बाद पता चला कि नहीं, कॉर्डेट्स में भी हेमिकॉर्डेटा को ही रखना चाहिए क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो कॉर्डेटा से बहुत अलग है। तो इसलिए फिर हेमिकॉर्डेटा को निकाल दिया गया, कॉर्डेटा को अलग कर दिया गया। तो हेमिकॉर्डेटा एक अलग सा फाइलम बन गया एंड फाइलम कॉर्डेटा एक सेपरेट फाइलम है जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इनिशियली जब इन्हें क्लासिफाई किया गया तो किस बेसिस पे किया गया? नोटोकॉल्ड के बेसिस पे किया गया कि जिनमें नोटोकॉल्ड प्रेजेंट है उन्हें हम कॉर्डेट्स बोलेंगे, जिनमें नहीं है उन्हें नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे। विच मीन्स कि जो हम लोग का वेरी फर्स्ट फाइलम से हमने स्टार्ट किया है वहां से लेके इसके पहले तक का जो भी आपका इकाइनोडर्मेटा वगैरह है वहां तक के वो क्या हो गए? क्लियरली नॉन कॉर्डेट्स हो गए। बट इनिशियल स्टेजेस में क्या था? कंफ्यूजन था। तो कॉर्डेट में कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा दोनों को ले लिया गया था और कहा गया था इन दोनों में ही नोटोकॉल्ड प्रेजेंट होती है। फिर पता चला कि नहीं, हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉल्ड प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि नोटोकॉर्ड के जैसा कोई एक दूसरा स्ट्रक्चर मौजूद होता है एंड उसे बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड। अब जिस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने इन दोनों को एक ही उस डिवीजन कॉर्डेट में रख दिया, जब वो स्ट्रक्चर है ही नहीं तो क्यों रखेंगे? अल्टीमेटली अलग हो गया। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हेमिकॉर्डेटा एक सेपरेट फाइलम बन गया। एंड इसका जो सबसे ज्यादा सेलियंट इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसमें एक रूडिमेंट्री स्टोमोकॉर्ड मौजूद होती है, एंड स्टोमोकॉर्ड जो होती है वो सिमिलर होती है टू नोटोकॉर्ड। जैसा आपका नोटोकॉर्ड एक रॉड जैसा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था पीछे वीडियोस में, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है एग्जैक्टली मतलब वैसा ही नहीं बट उसके जैसा, स्टोमोकॉर्ड जैसा कुछ चीजें हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंट होती है। और ये हेमिकॉर्डेटा में जो स्टोमोकॉर्ड है वो कैसी होती है? वो होती है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री टर्म में भी शायद आपके लिए नया हो या शायद ना हो। रिडिमेंट्री मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसका शेप ज्यादा डेफिनेट ना हो और जिसका फंक्शन भी ज्यादा डेफिनेट ना हो, बहुत ज्यादा डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड शेप्स का ना हो, तो उसको हम रिडिमेंट्री कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ जो इनमें स्टोमोकॉर्ड मौजूद है वो कैसी है? रिडिमेंट्री है। और ये फीचर स्पेशल है या स्पेसिफिक है या यूनिक है फॉर द फाइलम हेमिकॉर्डेटा, प्रेजेंस ऑफ रूडिमेंटरी स्टोमोकॉर्ड विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ये भाई इनका मीडियम क्या है, एक्वाटिक सॉरी हैबिटेट कैसा है, मैरीन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बायोलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलामेट है। ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जब लास्ट चार्ट बनाया था तो हम लोगों ने देख ही लिया था, तो ये तो आपको एकदम अब फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। फिर आते हैं बॉडी पे। इनकी बॉडी डिवाइड होती है तीन रीजन में, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। कैसा दिखता है? कुछ ऐसा कुछ दिखता है, कुछ इस तरह से रहता है स्ट्रक्चर, तो इसको बोल देते हैं प्रोबोसिस। फिर क्या बोल रहा है? कॉलर। फिर कॉलर जैसा स्ट्रक्चर कुछ रहता है। अब कॉलर एग्जैक्टली ये मत समझ लीजिएगा जैसे हम लोग ये शर्ट का कॉलर होता है, कॉलर हम लोग का जो नेक रीजन होता है यहाँ पास जो रीजन होता है उसे कॉलर बोलते हैं, तो वैसा कुछ टाइप का रहता है इस टाइप का। और फिर उसके बाद है ट्रंक। फिर यहाँ से फर्दर स्पेस छोटा पड़ रहा है तो मैं इसे ऐसे कर दे रही हूँ। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इनका ट्रंक रीजन। तो मान लो ये इनका कॉलर रीजन हो गया, और ये जो होता है इनका ट्रंक रीजन होता है। ये जो एक्चुअल मैंने डायग्राम बनाया है इसको अगर आप बुक्स में देखोगे तो कुछ और अच्छा सा यहाँ ऐसे करके बना रहेगा, और बीच में वो जो स्टोमोकॉर्ड वगैरह है वो थोड़ी सी ऐसे रूडिमेंटरी दिखती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पास प्रेजेंस रहेगा उनके, ठीक ऐसा कुछ आता है। ये एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो डायग्राम बना है, ये मेलानोग्लोसस का है, मेलानोग्लोसस इसका एग्जाम्पल है। ये भी वर्म लाइक ही होते हैं, वर्म लाइक होते हैं जैसे वर्म्स के बारे में पढ़ते हैं एकदम वैसा ही इनका भी कुछ अपीयरेंस रहता है। तो इनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस जो कि फर्स्ट एंटीरियर पार्ट होता है बॉडी का, देन कॉलर आता है एंड देन ट्रंक आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाए तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है,
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पहले ही बता चुकी हूँ, बट मैं फिर बता दे रही हूँ कि ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई डायरेक्टली मिल जाता है किसी भी आर्टरीज वेन्स या किसी भी एक पैक या क्लोज ट्यूब में ब्लड फ्लो नहीं करता बल्कि डायरेक्टली ऑर्गन में पहुंच जाता है, ओपन होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें गिल्स होता है, ये मैरीन है तो मैरीन होने का मतलब या तो इनमें गिल्स मौजूद होगा या फिर गिल्स लाइक कोई स्ट्रक्चर मौजूद होगा या लंग्स में जो मॉडिफाइड लंग्स होते हैं वो मौजूद होंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? प्रोबोसिस ग्लैंड। ये जो प्रोबोसिस रीजन है इसका जब सेक्शन काटा जाता है तो एंटीरियर रीजन साइड ही इनको यहाँ कहीं प्रोबोसिस ग्लैंड भी देखने को मिलती है और वही आपका एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन फंक्शन करती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कौन सा। यूनिसेक्शुअल होते हैं विच मीन्स कि मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट होने का मतलब लार्वल स्टेजेस इनमें पाई जाएगी। ये जो फाइलम है काफी छोटा फाइलम है, छोटा इन द सेंस कि यहाँ मतलब जो फीचर्स देखने को मिले आपको ऐसा नहीं मिला कि बहुत ढेर सारे मिल गए, ठीक है। जो उनकी यूनिक फीचर्स हैं वो दो ही तीन हैं यूनिक, बाकी अदरवाइज सेम ही टाइप का है इनका भी फीचर्स। इसके दो एग्जाम्पल बहुत फेमस हैं, बेलानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। बेलानोग्लोसस का ही मैंने ये थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बनाया था ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि प्रोबोसिस पोलर एंड ट्रंक है क्या। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम लोग अपने नेक्स्ट फाइलम पे मूव करते हैं, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा एंड दैट फाइलम इज द लास्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द लास्ट फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा का अभी जब हमें कॉर्डेटा बता रहा था तभी बता दिया था कि क्या खासियत है इनमें, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मोटो कॉर्ड। ये इनका बड़ा यूनिक फीचर है एंड इसी के बेसिस पे ही एनिमल किंगडम को कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में क्लासिफाई किया गया, फिर कॉर्डेट को फर्दर सब फाइलम में क्लासिफाई किया गया। तो जो पहला फीचर है ये तो बड़ा यूनिक फीचर है, स्पेशल फीचर है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड पेयर्ड फारेंजियल गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं इनके जितने मेंबर्स हैं उनमें देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ये जो है बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पीछे वीडियोस में देख ली थी जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे थे एंड लास्ट में हमने चार्ट बनाया था तब। अगर नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। कॉर्डेटा को आप फर्दर तीन सब फाइलम में, ये जो मैंने तीन लिखे हैं एक्चुअली ये सब फाइलम है, आप कॉर्डेटा को तीन फर्दर सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हो एंड जो ये क्लासिफिकेशन हुआ है कॉर्डेटा का इनटू थ्री सब फाइलम वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ही हुआ है। नोटोकॉर्ड तो इनमें भी होगी, इनमें भी होगी, इनमें भी होगी, बट होता क्या है कुछ ऐसे सब फाइलम होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में पाई जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ पाई जाती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है बोन से या कार्टिलेज से। उसके बेसिस पे तीन आए। पहला आया आपका यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है वो लार्वल टेल में पाया जाता है। लार्वा स्टेज होगी, लार्वा का अपना टेल होगा, उस टेल रीजन में नोटोकॉर्ड मिलेगी। मतलब ये जो डॉर्सल डॉर्सल होती है नोटोकॉर्ड, डॉर्सल एंड वेंट्रल मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे अगर मैं ये खड़ी हूँ तो मेरा ये जो फ्रंट पोर्शन है दिस इज द वेंट्रल पोर्शन एंड जो ये मेरा बैक होगा जहाँ मेरी ये वर्टिब्रल कॉलम है ये मेरा डोर्सल रीजन होता है, ठीक है। तो जो नोटोकॉर्ड होती है वो डोर्सल रीजन में ही पाई जाती है, हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, ये डोर्सल रीजन में पाई जाती है, हॉलो नर्व कॉर्ड है ये, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। तो ये जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है इसमें लार्वल टेल में डोर्सल रीजन में हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है बस, और कभी नहीं। सेफेलोकॉर्डेटा में अगर देखा जाए तो इनका हेड से लेके टेल तक, इनकी बॉडी को भी आप हेड एब्डोमेन टेल रीजन में डिवाइड कर सकते हो। तो सेफेलोकॉर्डेटा जो होता है इसका जो नोटोकॉर्ड होता है वो हेड से टेल तक पाया जाता है एंड फॉर द थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्वल स्टेज में मिलेगा, एडल्ट स्टेज में मिलेगा, नहीं, लार्वल स्टेज में, एडल्ट स्टेज में, सेनेसेंस स्टेज में, हर एक स्टेज में नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, रिप्लेस नहीं होती, खत्म नहीं हो जाती है और हेड से लेके टेल तक पाई जाती है। फिर आपका आता है वर्टीब्रेटा। तो वर्टीब्रेटा में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होता है वो जब एम्ब्रियोनिक रहता है, एम्ब्रियोनिक मतलब जब तक उनका डेवलपमेंट हो रहा था, जब तक उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही है, तो उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, ठीक। लेकिन जैसे ही एडल्टहुड आता है, जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है फुली बेबी में, नया ऑफस्प्रिंग में,
उसमें जो होता है ये नोटोकॉर्ड जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। ये वर्टिब्रल कॉलम अभी हम लोग फर्दर देखेंगे, वर्टिब्रेटा को भी आगे हम लोग क्लासेस में डिवाइड करेंगे। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये हार्ड बोन से भी बनी हो सकती है या कार्टिलेज से भी बनी हो सकती है। तो ये चीजें तो अभी हम लोग को जस्ट आगे देखना है जैसे आप ये कर लोगे। लेकिन एक चीज ये याद रखना कि कॉर्डेटा में जो यूरो कॉर्डेटा है एंड सिफेलो कॉर्डेटा है इनको अगर देखा जाए तो ये आपके मैरीन होते हैं और इनको हम बोलते हैं प्रो कॉर्डेट्स। इनको प्रो कॉर्डेट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉर्डेटा के ये इनिशियल फाइलम है। देखो इनमें नोटोकॉर्ड कैसे प्रेजेंट है, थोड़ी सी प्रेजेंट है, इसमें है लेकिन ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है, जबकि इनमें क्या हुआ थ्रू आउट द लाइफ मौजूद है और वो कन्वर्ट हो गई इनटू वर्टिब्रल कॉलम। तो इनको हम कॉर्डेट बोल देंगे और ये प्रो कॉर्डेट्स में आ जाएंगे। ठीक, मैरीन होते हैं और इनमें भी गिल स्ट्रिप्स वगैरह पाई जाती है। यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा हो गया एंड फिर है आपका वर्टिब्रेटा। अब हम लोग वर्टिब्रेटा को फर्दर क्लासिफाई करेंगे कि कैसे वर्टिब्रेटा आगे क्लासिफाई हो सकता है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग नेक्स्ट आगे मूव करें। मैंने क्या किया है, जो वर्टिब्रेटा उन्होंने पढ़ा उसको डिवाइड कर दिया है फर्दर आगे, क्योंकि मतलब ये डिवीजन आपको पढ़ना जरूरी है कि जो आपका आपने सब पहला वर्टिब्रेटा पढ़ा है वो आगे कैसे क्लासिफाइड है, ये बहुत जरूरी है। तो इसको आप फर्दर टू ग्रुप से डिवाइड कर लो, एगेनेथा एंड गेनेथोस्टोमेटा। एगेनेथा वो ग्रुप होता है जो जॉलेस होता है, इसमें जॉ नहीं होता। जॉ मतलब समझते हो, ये जो रीजन होता है जिसमें टीथ वगैरह बियर करते हैं हम लोग, वो जॉ पोर्शन होता है। तो इनमें जॉ नहीं होता जबकि गेनेथोस्टोमेटा में जॉड होते हैं। एंड ये जो एगेनेथा है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास नोन है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, जिसके बहुत थोड़े मतलब सेलियंट फीचर्स हैं जिनको मैंने यहाँ साइड में लिख भी दिया है। गिनाथोस्टोमेटा जो है ये जॉड होते हैं और इनको फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, पीसेस एंड टेट्रापोडा। एक्चुअली में इन दोनों को बोलते हैं सुपर क्लास। तो ये सुपर क्लास होते हैं दोनों, पीसेस एंड टेट्रापोडा। पीसेस को फर्दर दो क्लासेस में कॉन्ड्रैक्टीज एंड ऑस्ट्रिक्टीज किया गया है एंड टेट्रापोडो को फिर आगे चार क्लासेस में, दैट इज एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स, मैमल्स। इन सबसे तो आप फैमिलियर हो गए, फिशेस से आप फैमिलियर हो, कॉन्ट्रैक्टीज हैं, ऑस्ट्रिक्टीज हैं। अभी हम इनके फीचर्स थोड़ा सा लिख लेंगे कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस है क्या। और जो टेट्रापोडा है एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग वगैरह है, तो उस सैलमेंडर्स वगैरह उनके थोड़ी बहुत नॉलेज आपको है कि वो लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं, तो इन सबको पढ़ना आसान रहता है। रेप्टीलिया, लिजर्ड वगैरह है, एव्स, बर्ड्स वगैरह जो होती हैं, मैमल्स जैसे कि हम हैं, कैट है, डॉग है। तो ये जो क्लासेस हैं इनको पढ़ने में मुझे नहीं लगता बिल्कुल दिक्कत होगी, क्योंकि इनके आधे से ज्यादा फीचर्स आप ऑब्जर्व करके बैठे हो और आपको मालूमात है उनकी ऑलरेडी। हाँ, ये साइक्लोस्टोमेटा जो है शायद इनके फीचर्स आपको ना पता हो। देखो होता क्या है, जो ये कॉर्डेटा होते हैं, कॉर्डेटा में जो ये वर्टिब्रेटा हम लोग ने पढ़ा था, तो वर्टिब्रेटा में उनके लोकोमोशन के लिए इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस। ठीक है, वो अपेंडेजेस या तो फिन्स हो सकते हैं जैसे कि फिशेस के केस में फिन्स होते हैं, या तो फिर लिम्स हो सकते हैं जैसे कि एम्फीबिया है उनके पास लिम्स हैं, रेप्टिलिया है उनके पास लिम्स हैं, एव्स है तो उनके पास फिन्स भी हैं। मतलब फिन्स तो नहीं बोलेंगे बट वो विंग है और लिम्स भी है। तो वो सब क्या है, आपके लोकोमोशन के अपेंडेजेस ही तो हैं। मैमल्स हैं, ये भी टेट्रापोड्स होते हैं। तो टेट्रा मतलब होता है चार, पोडा मतलब होता है पोडिया, अपेंडेजेस, फूट, लेग। ठीक है, लेग वर्ड नहीं यूज करेंगे हम लोग, पोडिया मीन्स होता है लोकोमोटरी अपेंडेजेस जो होते हैं उसे बोलते हैं। तो टेट्रापोडा, तो ये भी टेट्रा है, ये भी टेट्रा, ये भी टेट्रा है, ये भी टेट्रा। तो इनको जब हम पढ़ेंगे तो मुझे समझता है शायद बिल्कुल भी आपको टाइम ना लगे। हाँ, थोड़ा सा आपको साइक्लोस्टोमेटा एंड क्रॉन्डेक्टीज एंड ओस्टियोक्टीज में मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, बाकी वो चार क्लासेस बहुत ईजी हैं, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो है उसके फीचर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये एक्टोपैरासिटिक होते हैं। एक्टोपैरासिटिक मतलब बाहर बॉडी की सरफेस से बाहर रहेंगे। मैरीन होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा जो रहते हैं वाटर मीडियम में पाए जाते हैं। और तो ये किसके ऊपर रहेंगे, फिशेस के ऊपर। तो ये जो एक्टोपैरासिटिक है इनका नेचर एक्टोपैरासिटिक इसलिए है क्योंकि ये फिशेस के सरफेस पे पाए जाते हैं। 16 to 15 पेयर्ड गिल स्लिट्स होती हैं। गिल स्लिट्स किस लिए होंगी, रेस्पिरेशन के लिए तो होंगी ना। तो इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, गिल्स है। इनमें कोई भी बॉडी स्केल्स एंड फिन्स नहीं होते हैं। तो ये फीचर अच्छे से याद रखिएगा कि इनमें स्केल्स एंड फिन्स नहीं होते। अब आते हैं मेन फीचर पे।
क्योंकि जब ये पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ किस वजह से रहा है, बिकॉज ऑफ नोटोकॉल्ड। नोटोकॉल्ड के बाद हमने उसको देखा रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम से। तो यहाँ इनका वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है, कार्टिलेजेनियस होता है, बोनी नहीं होता बल्कि कार्टिलेजेनियस होता है। साथ ही साथ इनका जो क्रेनियम है वो भी कार्टिलेजेनियस होता है। क्रेनियम आई होप आपको पता हो, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि क्रेनियम जो स्कल होता है, जो हेड केस होता है, ब्रेन केस जिसे बोलते हैं, जिसमें ब्रेन पोर्शन लाई करता है, तो वो एक बोनी स्ट्रक्चर से ह्यूमन में कवर रहता है। तो वैसे ही सेम इनमें भी साइक्लोस्टोमेटा में इनका जो ब्रेन रहता है वो एक कार्टिलेजेनियस केस के अंदर कवर्ड रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक, तो ये क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम का कार्टिलेजेनियस होता है। तो इनका जो स्केलेटन पार्ट हो वो कैसा होगा, कार्टिलेजेनियस होगा। तो ये फीचर्स हैं इनके बेसिकली। तो साइक्लोस्टोमेटा हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, साथ में ही कॉन्ड्रोक्टीलिस एंड ऑस्टियोक्टीलिस के क्लास फीचर्स को देख लेंगे, फिर उसके बाद एम्फीबिया रेप्टिलिया एप्स और मैमल्स के भी एक साथ देख लेंगे। तो उससे क्या होगा, ये इजी भी हो जाएगा, साथ ही साथ हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेंगे कि इन दोनों में ऑल्दो तो बिलोंग टू अ सेम सुपर क्लास, लेकिन उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से इनका क्लास में डिफरेंस है। एंड ऐसे ही हम इनके केस में भी करेंगे कि ये चारों जो क्लास है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर कंपेरेटिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि डिफरेंसिएशन क्या है इन लोगों में या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बस स्टार्ट कर देती हूँ फौरन से आपका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लास कॉन्ट्रैक्टीज एंड ऑस्ट्रक्टीज हैं, दोनों पीसेस सुपर क्लास से बिलोंग करते हैं, दैट इज फिशेज हैं, बट इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो उसको मैंने क्या किया है, एक चार्ट बना के डिवाइडर बना के लिख दिया है। इससे क्या होता है, लर्निंग थोड़ा इजी हो जाती है और आप कंपेरेटिव स्टडी कर लोगे। कॉन्ड्रोक्टीज जो होते हैं ये हैबिटेट देखा जाए तो ये मैरीन होते हैं, जबकि ऑस्टियोक्टीज ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और ये मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। और इनके जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजेनियस होती है एंड उनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, जिसके वजह से इनको कॉन्ड्रोक्टीज या फिर कार्टिलेजेनियस फिशेस बोला जाता है। और इन्हें बिकॉज ऑफ बोनी एंडोस्केलेटन इन्हें बोनी फिशेस बोली जाती है। ठीक, बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन दोनों की। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब ये होता है क्योंकि ये एक्वाटिक मीडियम में ले रहना है, इन्हें जब वाटर मूव करेगा तो इस वाटर वेव्स में इन्हें अपने अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन में मूव करना होता है। तो इनकी बॉडी थोड़ा स्टीपर होती है साइड से, ताकि वो इजीली उस एक्वाटिक मीडियम में फ्लोट कर सके, तैर सके, स्विम कर सके। ठीक है, तो ये जो बॉडी का शेप होता है फिशेस का, ऐसा ही शेप होता है, ये एक तरह का एडाप्टेशन है अमंग द पीसेस, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक्वेटिक मीडियम में इजीली फ्लोट कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं। तो स्विमिंग के लिए जरूरी है कि उनकी बॉडी कैसी हो, स्ट्रीमलाइन शेप हो। इसीलिए देखिए जो एरोप्लेन होती हैं, एरोप्लेन को एक तरह का देखो तो एयर में उनको स्विम करना होता है। ठीक है, एयर में स्विम करना होता है, तो उनका भी शेप फिश जैसा ही कुछ होता है। या जो शिप्स वगैरह बनती हैं, जो पानी वाली जहाज जिसे बोलते हैं, तो वो भी कैसी रहती है, आगे से थोड़ा स्टीपर रहती है, तो स्टीपर होना है और फिर बीच में थोड़ा फूलना और फिर एंड में फिर से कुछ इस तरह से, उनका बेसल रीजन कुछ इसी तरह से रहता है अगर देखा जाए तो। इस तरह के जो शेप्स होते हैं वो भी स्ट्रीम लाइंड बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, एक्वेटिक मीडियम में या फ्लूइड मीडियम में स्विम कर पाना, फ्लोट कर पाना इजी होता है। तो ये स्ट्रीम लाइंड बॉडी जो होता है, एक तरह का एडाप्टेशन है इन दीज टू क्लासेस। माउथ इनका कैसा होगा, वेंट्रल। वेंट्रल मतलब फ्रंट पोर्शन पे माउथ प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे माउथ कैसा है, वेंट्रल। जबकि इनके केसेस में माउथ टर्मिनल होता है। टर्मिनल मतलब अगर वेंट्रल हम बोल रहे हैं, मान लो कि इनका वेंट्रल पार्ट है, डोर्सल पार्ट नीचे है, तो माउथ यहाँ कहीं होगा। और टर्मिनल का मतलब ये हुआ कि ये इनका रीजन है और माउथ यहाँ कहीं मौजूद है। तो बोनी फिशेस का एक एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको। अगर आपने कभी फिश देखी है, रोहू फिश आप देखते हो, रोहू इसका एग्जाम्पल है। तो रोहू का माउथ कुछ इसी तरह से रहता है, फ्रंट पे रहता है, टर्मिनल रहता है, ऐसे खुलता है। जबकि इनमें जो आपका हैग फिश वगैरह है, टॉर्पिडो वगैरह है, रिस्टिस वगैरह इसका एग्जाम्पल है। शायद आपने रिस्टिस वगैरह ये सब ना देखी हो, बट उनको कभी फ्यूचर में आप देखोगे, जब लैब वगैरह में आप जाओगे, ये सारे स्पेसिमेंट्स देखोगे, तो उन स्पेसिमेंट्स में आप ऑब्जर्व करना कि इनकी जो फिशेज होती हैं उनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल पोर्शन पे होता है, टर्मिनल नहीं होता। इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो इंटायर लाइफ में प्रेजेंट होती है। इनमें भी नोटोकॉर्ड इंटायर लाइफ में प्रेजेंट होती है, बट इनकी नोटोकॉर्ड
बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर जाती है। गिल स्लिट्स इनमें भी होंगे, इनमें भी होंगे, लेकिन इनके जो गिल्स होंगे वो सेपरेट होंगे, कंबाइंड नहीं होंगे, जबकि वो पेयर्ड होंगे। ये कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे, चार होंगे। एंड इनमें ओपरकुलम एब्सेंट होता है, उनमें ओपरकुलम होता है। अभी ओपरकुलम क्या होता है, आइए पीछे आते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया रोहू फिश का। अगर आपने रोहू फिश को ऑब्जर्व किया होगा तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, तो आपने स्पेसिमेन नहीं दिखा होगा। तो जब फ्यूचर में कभी भी मौका मिलेगा तो जरूर से स्पेसिमेन दिखेगा। तो रोहू को अगर आप देखो तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। माउथ उसका टर्मिनल रहता है, ऐसा कुछ रहता है, पीछे फिन्स उनके रहेंगे, और यहाँ पे इनकी आईज रहती है, और इसी के नीचे से एक ऐसे पास करता हुआ एक फ्लैप लाइक रीजन जाता है दोनों साइड। तो ये जो फ्लैप है या कवर जैसा रीजन है, इसी के नीचे गिल्स मौजूद होती है। तो ये जो कवर है इसी को हम बोलते हैं ओपरक्यूलम। ये जो ओपरक्यूलम है इसे गिल कवर भी बोला जाता है। तो इन ऑस्टियोपथीज ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है, विच मीन्स गिल्स को वो कवर करके रखता है, जबकि इनमें नहीं होता। फिर आते हैं बॉडी में स्केल्स की बात। अगेन रोहू फिश की बात करते हैं, क्योंकि रोहू फिश को ज्यादातर लोगों ने देखा ही होता है। इनमें इस तरह से आपको स्केल्स दिखती है। रोहू इसका एग्जाम्पल होगी। तो ये जो स्केल्स होती हैं, इन केस ऑफ ऑस्टियोथीज इनको बोलते हैं स्टेनॉइड स्केल्स, स्टेनॉइड होती है। जबकि इनमें रिस्टेस वगैरह इसका एग्जाम्पल है। तो रिस्टिस वगैरह में क्या होता है, इनमें जो स्केल्स होती है वो प्लेकोइड स्केल्स होती है, ठीक। एंड इनके जो टीथ होते हैं वो इसी से बने हुए होते हैं। दोनों ही पाइकिलोथर्मस है, दोनों ही फिशर पाइकिलोथर्मस है। पाइकिलोथर्मस मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड मतलब ये होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करा पाते हैं। जो भी उनका एक्वाटिक मीडियम का टेम्परेचर है उसी के हिसाब से उनकी बॉडी का टेम्परेचर रहता है, तो उनको बोलते हैं पाइकिलोथर्मस या फिर कोल्ड ब्लडेड। ये दोनों ही कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। एक और खास बात है, इनमें एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है, जबकि उनमें एयर ब्लेडर मौजूद होता है। क्या होता है एयर ब्लेडर? एयर ब्लेडर आप कह सकते हो एक तरह का एयर सैक रहता है, इसमें एयर मौजूद होती है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लेडर, अगर वो कुछ टाइम के लिए स्विमिंग ना भी करें तो वो बह नहीं जाएंगे। बायोलसी मेंटेन रहती है। बायोलसी क्या होती है? पानी है, पानी में आपने प्लास्टिक की बॉल डाली, वो प्लास्टिक की बॉल फ्लोट करती है, जबकि उसी में आप एक आयरन का पिन डाल दो वो नीचे चला जाता है। तो जो फ्लोट कर रही है बॉडी, हमने बोला कि उस पर बायोलॉजी फोर्स वगैरह लग रहा है। फिजिक्स में आप पढ़ोगे, इलेवेंथ में ये है भी ये चीज़ है, तो आपको वहां पता चलेगा हाँ बायोलॉजी है, बायोलॉजी फोर्स है, इस वजह से वो फ्लोट कर पा रही है, ठीक है। तो और आयरन में ऐसा नहीं हो पाता, वहां बायोलॉजी फोर्स वीक पड़ जाता है, उनका अपना वेट ज्यादा रहता है, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इन केस ऑफ बोनी फिशेज उनमें एयर ब्लडर होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लडर उनकी बायोलॉजी मेंटेन रहती है। इसके उससे क्या होता है कि ये इजिली फ्लोट कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए स्विमिंग अपनी रोक भी सकते हैं, जबकि इनमें एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है, तो इसके लिए उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है। अगर वो स्विमिंग नहीं करेंगे देन वो सिंक कर जाएंगे, वो डूब जाएंगे। हार्ट इन दोनों का ही टू चैम्बर्ड होता है। टू चैम्बर्ड हार्ट होने का मतलब क्या है कि एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक। हार्ट में अभी जब जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में जाओगे, जब मामलेस में आओगे, तो आप पढ़ोगे कि फोर चैम्बर होते हैं। तो हार्ट के चैम्बर्स जो रीजन डिवाइडेड होते हैं, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एक में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो एक इसमें सिर्फ दो ही होते हैं, तो एक आपका ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। और इसमें भी यही है, दो चैम्बर है, तो उसमें भी एक ऑरिकल एंड एक वेंट्रिकल पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पास मैंने ये जो मेन फीचर्स है वो तो लिख दिया। दोनों में ही सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसको चाहो तो यहाँ लिख लो, सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। इनमें भी सेपरेट होता है और इनमें भी सेक्सेस क्या होते हैं,
सेपरेट होते हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो इनके केसेस में फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिस कार्टिलेजिनियस फिशेज इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और बोनी फिशेज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों के गैमेट्स वाटर में फ्यूज करेंगे, ठीक। और जनरली क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टिलिस होते हैं जनरली, ऐसा नहीं कि सारे मेंबर्स इनके, बट ज्यादातर जो जेनरा विच बिलोंग्स टू कॉन्ट्रैक्टिलिस वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट हो जाएगा और वो यंग वंस को बर्थ देंगे। एंड जबकि इनके में ये होते हैं एग लेयर, तो ये होते हैं आपके जनरली ओवी पेरस। रोहू कटला ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें आपके ये जो सी हॉर्स वगैरह होता है, टोरस है, इलेक्ट्रिक फिश है, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फिश से मुझे ये भी याद आया कि जो कॉन्ट्रैक्टिलिस होते हैं इनमें कुछ ऐसे मेंबर्स पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। एंड कुछ इनमें ऐसे होते हैं जिनमें पॉइजनस स्टिंग मौजूद होती है। सब में नहीं, ऐसा नहीं कि सारे मेंबर्स में, कुछ ही मेंबर्स हैं जिनमें आपको इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स भी देखने को मिल सकता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फिश बोलते हैं, और किसी में आपको पॉइजनस स्टिंग भी देखने को मिल सकती है। ये प्रेडेटर्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपने आसपास आने वाले अपने प्रे को विद द हेल्प ऑफ दीज टू ऑर्गन्स उन्हें मार लेते हैं या अपने इंगल्फ कर पाते हैं इजिली। तो ये हो गया आपका पीसेस का दोनों क्लास, कॉन्ट्रैक्टिलिस एंड ऑस्टिक्टिलिस, इनकी कंपैरेटिव स्टडी हमने कर ली, इनका डिफरेंस देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फर्दर क्लासेस हैं उनको देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, उसके लिए एक नेक्स्ट लास्ट पार्ट बनेगा, आप उसे जरूर देखना। आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर इनकेस आपको कुछ और पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।